हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और मेरा नाम है सुनील और मैं आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूँ। यदि अगर आपका न्यू यूट्यूब चैनल है और यदि अगर आप चाहते हैं कि हम कस्टम थंबनेल ऐड करें और आप यदि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर बताया है कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल पर अपना कस्टम थंबनेल ऐड करेंगे और यदि अगर कस्टम थंबनेल ऐड कैसे करेंगे तो कस्टम थंबनेल को ऐड करने से पहले आपका यूट्यूब चैनल पहले वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि गूगल यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करता है सबसे पहले यदि अगर आप कस्टम थंबनेल ऐड करते हैं तो। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि अगर आपको कस्टम थंबनेल नहीं पता है क्या होता है, तो कस्टम थंबनेल वो होता है जो आप वीडियो पे फ़ोटो देखते हैं, जिसको बोलते हैं थंबनेल, वो देखते हैं और वो सिर्फ आपको वीडियो को पॉज रहेगा उस टाइम दिखाएगा, या फिर वीडियो आपके जैसे सजेशन में आता है यूट्यूब पे तो देखते होंगे कि वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव रहता है और कुछ ऐसा रहता है जिससे आप पढ़कर या फिर देखकर वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो जो वीडियो के फर्स्ट में, यानी कि जो वीडियो के स्क्रीन पर रहता है, यानी कि सबसे पहले वीडियो में जो दिखाया जाता है, जो फ़ोटो आपको देखते आँख में दिखाई देता है, वो थंबनेल रहता है, तो उसको बोला जाता है यूट्यूब के भाषा में थंबनेल। तो वो चीज़ कैसे ऐड करें, तो इस वीडियो में वो चीज़ ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल यानी कि बीटेक ब्लॉग पे मैं लगातार इस तरह का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ और इस तरह का वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ। तो यदि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे। और आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप न्यू हैं या फिर पुराना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको हम सीधे लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मैंने वेरीफाई किया है, ताकि आप वहाँ पे आसानी से समझ सकेंगे और वीडियो के लास्ट तक तभी देखेंगे, तभी आपको सही से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, फाइनली अब आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको सीधे चलते हैं क्रोम पे लेके। तो क्रोम पे आपको जाना है और इस तरह से आपको अपना डेस्कटॉप मोड पे आपको खोल लेना है। तो डेस्कटॉप मोड खोलने के लिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है। डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर आपको दिख रहा होगा, तो थ्री डॉट पर आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन में दिखेगा डेस्कटॉप साइट। तो इस तरह जैसे अभी आप मैंने टच किया स्क्रीन पे, उस तरह से आपको भी कर लेना है और इस तरह से सीधे आपको इस तरह से गूगल क्रोम पे आपका यूट्यूब आपको अपना चैनल खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको लोगो दिख रहा है कोने में साइड में, वहाँ पे आपको टच करना है। इस तरह से टच करने के बाद आपको यहाँ पे योर चैनल दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है योर चैनल, आपको यहाँ पे इस तरह से टच कर देना है। अब टच करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे देख रहा हूँ कि ब्लू कलर में कस्टमाइज चैनल दिख रहा है फर्स्ट, और एक सेकंड में दिख रहा है यूट्यूब स्टूडियो। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि और इस तरह से खुल गया है पेज। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसे कर देना है और आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे कि ऐसे पूरा डेस्कटॉप मोड में खोलने के बाद आपको सीधे यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आने के बाद, यानी कि नीचे लास्ट आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग का लोगो दिख रहा होगा, तो आपको सेटिंग का लोगो में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें दिख रहा होगा आपको कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में आपको नहीं आना है, ये चैनल पे आपको आ जाना है। और चैनल पे आने के बाद आपको क्या करना है, ब्रांडिंग में आना है और यहाँ पे ब्रांडिंग में आने के बाद एक आपको इधर फर्दर एलिजिबिलिटी दिख रहा होगा, उसमें आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे ये
इनेबल करके नीचे फीचर दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, ये चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना, अपना फ़ोन को वेरीफाई करना है। यानी कि दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको थंबनेल कस्टम थंबनेल सेट करने के लिए आपको ये आपको अपना मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई करता है यूट्यूब। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपको मैं करके बता रहा हूँ, इस तरह से आपको भी अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। तो अब आपको अपना मोबाइल नंबर अपने जीमेल अकाउंट पर डाल देना है जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाउ शुड वी डिलीवर द वेरीफिकेशन कोड टू यू, यानी कि किस तरह से आपको वो वेरीफाई करेगा, या फिर आप चाहते हैं कि आपको कॉल करें या फिर आपको टेक्स्ट करें, दोनों में सिंपल आप चूज कर लेते हैं। तो मैं चूज कर लेता हूँ टेक्स्ट, यानी कि मेरे पास OTP आएगा, मैसेज आएगा, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और इस तरह से आपको भी इसी तरह से डाल देना अपना मोबाइल नंबर और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से सबमिट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड अब मेरे पास आ गया और यहाँ पे मांग रहा है। तो इस तरह से आ गया है 191969। तो ये रहा OTP, अब मेरे को यहाँ पे डाल देना है, इस तरह से आपको भी डाल देना है 191969। तो इस तरह से डाल के वेरीफाई कर देना है। तो ये हो गया वेरीफाई, और अब आप कस्टम थंबनेल इजीली आसानी से डाल सकते हैं। ये था दोस्तों आज की स्टूडियो में वेरीफाई किस तरह से करते हैं। तो पहले आपको मोबाइल नंबर इस तरह से वेरीफाई करना है, फिर आप मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इस पर थंबनेल किस तरह से आप कस्टम थंबनेल सेट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से मैं इस तरह से YouTube रिलेटेड और टेक्स रिलेटेड में चैनल पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, लेकिन आप तक तभी जा पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैसेज पहुँचे आप तक सबसे पहले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।